हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के लोकसभा सांसद की वर्चुअल बैठक कल होने वाली है। बैठक को संबोधित कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। अगले हफ्ता से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बार कांग्रेस मोदी सरकार की कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करने वाली है। कांग्रेस मोदी सरकार को सदन में घेरने के लिए विपक्षी दलों से भी संपर्क कर रही है। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य दलों से बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है। वहीं शरद पवार ने भी इस बारे में ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ देश हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। येदियुरप्पा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह के आवास से मुलाकात के बाद निकलते हुए कहा कि उन्होंने मुझे कर्नाटक में सत्ता में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा है और हमें लोकसभा चुनाव में और अधिक सीट जीतनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पेच आज सुलझने की संभावना है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की करीब डेढ़ घंटे से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से वार्ता समाप्त हो गई है। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर दोहराया है कि उनको आला कमान का हर निर्णय को मानेंगे। इसके साथ ही आज मैं कोई ब्रेकिंग नहीं दूंगा। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू आज काफी सक्रिय है। इसके बाद साफ हो गया है कि आज शाम या कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति और प्रयासी मंडल की दो दिवसीय बैठक के बाद दिन संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष पद्मश्री रविंद्र नारायण सिंह को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मिलिंद परांडे फिर से केंद्रीय महामंत्री चुने गए। डॉक्टर सिंह बिहार के रहने वाले हैं। आलोक कुमार कार्यकारी अध्यक्ष और चंपत राय केंद्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके साथ ही कई सचिवों के दायित्व में परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही अब केंद्रीय सत्संग और धर्माचार्य टोली में रहेंगे। वहीं पूर्व न्यायाधीश विष्णु नारायण कोकजे भी केंद्रीय टोली के सदस्य रहेंगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द की जा चुकी है। ऐसे कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने 24 जुलाई से सीमा क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती से पहले ही कांवड़ यात्री हरिद्वार की तरफ निकलने लगे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती है कि कैसे इनकी पहचान की जाए। अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में तालिबान के साथ सुरक्षा बलों का संघर्ष जारी है। इस बीच अफगान सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के बामियान में सेघन और कहमद्र जिलों और निमरोज के चखनसूर पर फिर से कब्जा कर लिया है। निफ्टी 15,900 अंक के नए शिखर को छू चुका है। अब कुछ समय की बात है कि TCS, इंफोसिस और विप्रो ने बाजार का ट्रेंड बदल दिया है। ये कंपनियां ना सिर्फ IT सेक्टर को दिशा दे रही है बल्कि पूरा बाजार इनके अधीन है। सभी जानते हैं कि कारोबार साल 2022 के Q1 के नतीजे FY21 के Q4 के नतीजों को मात देंगे। ये लगभग हर सेक्टर ऑटो, सीमेंट और मेटल में होगा। घाटी में पहली जनवरी 2021 में अब तक 78 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लश्कर ए तैयब से जुड़े हुए थे। ये जानकारी कश्मीर के IG के विजय कुमार ने आलमदार कॉलोनी में ISJK के दो आतंकियों के मारे जाने के बाद एक मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए दी है। टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरठ के 5 खिलाड़ियों के अलावा एथलेटिक्स कोच राखी त्यागी का नाम भी भारतीय दल में शामिल है। चक्का फेंक में ओलंपिक पद की प्रबल दावेदारी मानी जा रही कमलप्रीत कौर का प्रदर्शन कोच राखी के नेतृत्व में ही परवान चढ़ा है। कमलप्रीत ने नेशनल में 66.59 मीटर का रिकॉर्ड बनाकर ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। राखी 2014 में ही कमलप्रीत को परीक्षण दे रही है। उनके मार्गदर्शन में ही कमलप्रीत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ और कम समय में ही उन्होंने
अपनी बड़ी पहचान बनाई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।